छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 23 अगस्त से शुरू हो गई है, लेकिन बीए डिग्री वालों को इस काउंसलिंग से अलग रखा गया है, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में अपनी समस्या बताते हुए राज्य सरकार से तत्काल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। मीडिया से चर्चा के दौरान अभ्यर्थी ओम प्रकाश साहू ने बताया कि डीपीआई ने एक आदेश निकाला है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश हवाला देते हुए सहायक शिक्षक की काउंसलिंग से बीए डिग्री धारियों को अलग कर दिया गया है, जबकि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं पाया गया है और न ही हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला सुनाया है। कैंडिडेट्स के मुताबिक डीपीआई ने हजारों की संख्या में बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग से अलग कर दिया, जिससे वे काफी चिंतित हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा है, काउंसलिंग पर समय रहते रोक नहीं लगाने पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं? हाँ, हमारी मांग सिर्फ एक है सर, कि डीएड और डीएलएड वालों को, हाँ डीएड और डीएलएड वालों को जो सुप्रीम कोर्ट ने 46 पेज का जो जजमेंट दिया है, कि सीधा सीधा कहा गया है कि प्राइमरी टीचर के लिए डीएड और डीएलएड डिप्लोमाधारी ही पात्र हैं और बीएड डिग्री वाले अपात्र हैं। उन्होंने 46 पेज का स्पष्ट जजमेंट दिया है 11 अगस्त 2023 को, और अदर राज्य भी इसको फॉलो कर रहे हैं। बिहार में प्राथमिक शिक्षक से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक से बीएड वाले को बाहर कर दिया है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी प्राथमिक शिक्षक से बीएड वालों को बाहर, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार हमारे साथ राजनीति कर बिल्कुल गेम खेल रही है सर, है ना, बिल्कुल गेम कर रही है सर। हम न्याय, हम पात्र होते हुए भी दर दर भटक रहे हैं सर। हम जब उप संचालक के पास जाते हैं तो उप संचालक बोलते हैं संचालक के पास जाइए, संचालक के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप प्रमुख सचिव के पास जाइए, प्रमुख सचिव के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका नियुक्तिकर्ता डीओ है तो आप डीओ जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाइए, अब उनके पास जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप कोर्ट गए हो तो कोर्ट से बात कीजिए, तो हम कहाँ घूमें। हमारी स्थिति बहुत दुभर हो गई सर। हमारे जो हम लोग अभी दो दिन से यहाँ रुके हुए हैं, कोरबा और रायगढ़ से हमारे मैडम लोग आए हैं, एक ही कपड़े में भूखे प्यासे, है ना, बस्तर तक से आए हुए हैं, और बहुत से साथी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं सर, जो कि 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल करके आए, क्योंकि उनको नया रायपुर होता कहाँ पे वो भी पता नहीं था, 8 से 10 किलोमीटर पैदल चले हैं तब जा करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम सरकार से सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि डीएड डिप्लोमाधारियों के साथ न्याय करे और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले का सम्मान करे और बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करे। अभी सिर्फ अल्टीमेटम क्या देंगे? हम लोग चाहते हैं सर कि अभी फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को दोनों के लिए रोक दें, जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग राज्यों ने इसके अमल के लिए अपना जो संशोधन है उसको किया है और प्राइमरी लेवल पे बीएड वालों को बाहर किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रक्रिया दी नहीं है, अभी तब तक के लिए रुक जाए। सरकार को भी पता है कि बीएड वाले बाहर होंगे, लेकिन तब करेंगे जब तक राजनीतिक रूप से ये जो चुनाव है ये खत्म हो जाएगा, तब क्या मतलब का होगा। अभी रुकिए, आपको पता है जब बाहर होने वाला है तो पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद फिर निर्णय लीजिए। कहाँ से आइए आप? मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ सर। और क्या आजीविका का साधन है सर? मैं बेरोजगार हूँ सर। अभी बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं मिलता सर। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, फिर रोजगार भी नहीं मिल रहा है? यस सर। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ सबसे बड़ी बात शिक्षा की गुणवत्ता की है और यहाँ बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपात्र अभ्यर्थियों को पीआरटी में लेकर के सरकार देश के भविष्य के साथ, हमारे राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सर। क्या लग रहा है सरकार नारियों की सर मांग पूरी नहीं कर पा रही है महिलाओं? सर सरकार अगर चाहेंगे तो, क्योंकि अंतिम निर्णय तक स्टे लगा सकते हैं सर, ये तो उनके हाथ में है। जो भी फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो तो मानेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट अगर पात्र करेंगे वो तो सब मानना है सर। तो तब तक के लिए सिर्फ रोक दिया जाए, इतना चाह रहे हैं अभी के लिए। सरकार राजनीतिक रोड से कर रही है सर, निर्णय का वेट कर लिया जाए, इतना चाह रहे हैं बस हम लोग। आप क्या मानती हैं, सरकार राजनीतिक रोड से कर रही है ना? हां यार आप लोग सर, राजनीति हो रहा है क्या? हां यार जी सर, अब सब जान रहे वही है। हां क्या कहना चाहेंगे अंतिम सर?
सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग भी गरीब हैं सर, हम लोग कोई बहुत बड़े अमीर घर से नहीं हैं, हम लोगों ने भी पैसा देके डीएड किया है सर, तो हर किसी को आशा रहती है कि मेरी बेटी किसी दिन जॉब में रहेगी। तो सर हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को जॉब दीजिए, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो पात्र हैं उनको मतलब हम एक बार निर्णय आने तक वेट कर लीजिए, अगर हम पात्र हैं तो हमको मिलेगा, वो पात्र हो जाएंगे तो उनको मिलेगा। बस यही कहना है सर कि एक नौकरी से एक गरीब इंसान की हर उम्मीदें जुड़ी रहती है, माँ बाप का भी सपना रहता है सर कि उनके बच्चे जॉब करें, तो सर ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। एक बार हमको शामिल किया जाता है फिर निकाल लिया सर, हम लोग बहुत, मैं तो कोरबा से आई हूँ सर, कोरबा से भी दो घंटे और आगे रास्ते से मेरे तिलकेजा से आई हूँ सर, पहले हम बस से आए फिर उसके बाद 6 घंटे सफ़र करके यहाँ तक कि हम लोग रात में यहाँ ज़मीन पर कल सोए थे सर, हम लोग रात भर यहीं रुके हैं, लड़की होके भी हम लोग 2 दिन से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे, हमारी सुनवाई हो हमें सर, हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं सर, हम लोग कुछ नहीं चाहते, और तो सरकार को ये सुनना चाहिए ना कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर, एक बार हमको शामिल करते हैं फिर उसको बाहर कर देते हैं, अगर उनको निर्णय ही लेना है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लेना सर, हाई कोर्ट के अनुसार लेना सर, सिर्फ एक ऐसा ही आया है कि उनको सिर्फ काउंसलिंग में शामिल किया जाए, ये कहीं नहीं बोला गया है कि उनको नियुक्ति दिया जाए, तो क्यों नियुक्ति दिया जा रहा है सर, अगर उनको कल नियुक्ति मिल जाता है फिर हम लोग क्या कर पाएंगे सर, हम क्या सिर्फ कोर्ट कोर्ट घूमते रहेंगे क्या, कोर्ट का कब फैसला आएगा सर, फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.